मोदी सरनेम केस में सुप्रीम कोर्ट से सजा पर रोक के बाद राहुल गांधी का पहला बयान सामने आया है। उन्होंने कहा सच्चाई की जीत तो होनी थी। वहीं कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि आज बड़ा खुशी का दिन है, सत्य में विजय थे, सत्य की जीत हो गई। सुप्रीम कोर्ट से राहत मिलने के बाद कांग्रेस मुख्यालय में कांग्रेस के शीर्ष नेताओं ने प्रेस वार्ता की। इस मौके पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन केसी जयराम रमेश भी मौजूद रहे। इस मौके पर कांग्रेस अध्यक्ष ने कुछ तल्ख टिप्पणियां भी की, लेकिन राहुल गांधी ने बहुत ही स्पॉट अंदाज में अपनी बात रखी। उन्होंने इस फैसले को सच की जीत बताया और सभी को धन्यवाद दिया जो इस परिस्थिति में उनके साथ खड़े रहे थे। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि तंज कसते हुए कहा कि ऐसे कम ही मौके होते हैं कि हमारी कोई बात पॉजिटिव जाए। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है मैं उसका तहदिल से स्वागत करता हूँ। इस फैसले के बाद यह साबित हो गया कि अभी संविधान जिंदा है। यह फैसला इसका उदाहरण है कि अभी न्याय मिल सकता है। यह सिर्फ राहुल गांधी की जीत नहीं, जनता की भी जीत है, संविधान के उसूलों की जीत है। इस फैसले से देश को बहुत बड़ा फायदा भी हुआ। जो सच के लिए लड़ता है, देश की मजबूती के लिए लड़ता है, युवाओं के लिए बात रखता है, महंगाई के लिए लड़ता है, लोगों को जागरूक करने के लिए कन्याकुमारी से कश्मीर तक चलकर गरीबों, बच्चों, डॉक्टर, इंजीनियर से मिलता है, उन सभी की दुआ साथ है और यह लोगों की ही जीत है। इसके साथ ही खड़गे ने तंज कसते हुए कहा कि राहुल गांधी की सदस्यता रद्द करने में सिर्फ 24 घंटे का समय लगा, 24 घंटे में सब कुछ हुआ। उन्होंने कहा कि अब देखते हैं बहाली कितनी देर में होती है, शायद रात तक कर दें या अभी कर दें, कितना वक्त लेते हैं हम देखेंगे और इंतज़ार करेंगे। मैं इतना कहूँगा कि ये लोगों की जीत है, ये नागरिकों की जीत है और वायनाड के लोगों की भी जीत है। कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे के संबोधन के बाद राहुल गांधी ने बहुत ही संक्षेप में अपनी बात रखी। उन्होंने कम शब्दों में सिर्फ इतना ही कहा, आज नहीं तो कल, नहीं तो परसों सच की जीत जरूर होगी। जो भी हो मेरा रास्ता क्लियर है, मेरा क्या काम है, मुझे क्या करना है, उसके लिए मेरे दिमाग में क्लियरिटी है। इसके साथ ही जनता के सपोर्ट का बहुत बहुत धन्यवाद करते हुए अपनी बात समाप्त की। ऐसे वीडियोज़ के लिए वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।